हमीरपुर के कृष्णानगर में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में बड़े बेटे के साले द्वारा घर में आकर महिला और युवक से मारपीट की गई। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में करवाई गई है, लेकिन कार्रवाई न होने से परिवार निराश है। कृष्णानगर के निवासी कांता देवी और बेटे अश्वनी ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि बड़े बेटे के साले ने घर में आकर बिना वजह से मारपीट की है और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी है। मारपीट में छोटे बेटे के कान का पर्दा फट गया है तो महिला के सिर व मुंह पर काफी चोटें लगी है। सराहना बहुत बड़ी पंगा ही है। शनिवार फिर बहुत मार कटाई थी, मेरे बेटे को मारा था और जब मैं छुड़ाना गई तो मेरे ने गलतार करने लगा, फिर बड़ा मारे बेहोश हुई है। दो जने संग मारे तो उन्होंने बेहोश हुई है, लोहे कड़े ने मारिया तेने दिन थी हथ ले गई, लोहे तेने पिस्तौल हथ ले गई, इतनी छोटी पता नहीं कैसी है। उसने मारने ही तड़ी थी, यहाँ देख मार देने खत्म कर देने, बड़े मुश्किल है ओस आई, बड़े मुश्किल हम छुट्टा लग गए तो घर दे आए, घर भी संज मारना पे गई, तो वो मतलब कुत्ता है वो भी पे गई मारना, माँ भी पे गई मारना, मतलब हाँ जो बुरी हल्ले मारी मारने बेहोश कर दिया ना, हाँ बड़े मुश्किल से नठी ने घर को। फिर अभी पुलिस वाले फोन किया, पुलिस नहीं आई, फिर मेरी मुझे करना उन्हें फोन किया तो पुलिस आई, हूँ एम्बूलेंस बुलाई, हाँ जी हॉस्पिटल उत्थे हम टीका टाका कराई, फिर अपने पैसे की दवाई ले जाते, पैसे नहीं लेने की होता, फिर दवाई ले, फिर अहम जो पुलिस उत्थे छड़ने चले आए, अह कले रही ने, फिर यह पैदल आई के कृष्णा नगर 3 बजे पहुंचे आए। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई नहीं बोले, एफआईआर दर्ज करती हो, क्या कोई अलग कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अहम तो कोई पूछ मंग नहीं होगी ना, इससे पहले भी नहीं, पहले केस होया तब कुछ नहीं होता, हूँ करा देता भी कुछ नहीं होगा, चौथा दिन ना हाँ ये कंडीशन है, कुछ नहीं मिलता, अहम जो जाने का खतरा। कांता देवी ने बताया कि बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वे अपने ससुराल में रहता है। उन्होंने बताया कि बेटे के साले द्वारा कई बार आकर मारपीट पहले भी की जा चुकी है और इस बार तो हथियार लेकर वे घर आया था, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। बड़ा मुन्नू मेरा है ना नरेंद्र, खुद भी खतरा सा, क्योंकि वो बिल्कुल ना किडनैपर साइड रखे, वो ना साढ़े ना गल कर सकता, ना आ सकता, ना साड़ा दिखी सकता कुछ, अब आप जाते हैं कुछ जो भी करेंगे नीचे सब हमारी हालत देख रहे हैं, हमने कैसे रहना, दो माँ बेटा घर में, रास्ता हमारा वही है, रास्ते से हम जा नहीं सकते ऐसे, उस रास्ते से हम ऐसे जा नहीं सकते हैं, डरते हुए जाते जिसने जिससे कोई नहीं, पहले भी उसने कई बार मारा हमें, उन घर वालों ने भी मारा, कुछ नहीं करती पुलिस, अब 5 साल से उसकी बहन ने शादी कर ली है, उसके बाद उसकी रंजिश रखता है, बहन उनके पास रहती है, किराए पे रहती है, उनके पास रहती है ना, मेरा बेटा आता ना वो आती है, फिर हमारे से क्या रंजिश, हमारे से क्या रंजिश, मैं तो माँ बेटा हम दोनों रहते हैं, पुलिस से कोई बातचीत नहीं, कोई लेना देना नहीं हमारा, ना अच्छी मैं ना बुरी, घर नहीं आती है, उसने भी घर में आके कई बार मेरे को मारा पीटा, ये कुछ नहीं करते, हाँ ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पता नहीं वो क्या क्या धंधे को बढ़ते रहते, क्या क्या काम करते रहते, मेरे को कोई वहाँ मुझे नहीं पता कि उसके पास कागज है या नहीं है, पिस्तौल है उसके पास और भी हथियार है उसके पास, हाँ जी उसने कोई माइंड भी कर रखे हैं, हाँ जी कई को मारे उसने, कई को मार भी दिया जान से, थोड़े दिन पुलिस अंदर करती है फिर छोड़ देती है, और भी गलत गलत काम करता है। वहीं छोटे बेटे अश्वनी ने बताया कि जब घर के पास ही दूध लेने जा रहा था तो अचानक ही उस पर हमला कर दिया गया, जिससे उसके मुंह पर चोट आई है और कान का पर्दा भी फट गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई का साला जो है, जो मैं दुकान जाते टाइम मेरे को शनिवार को रात को उसने मारा और साथ में पिस्तौल वगैरह मारी उसने मेरे पे, तब पुलिस के पास गया तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, कि वो सर क्या बोलते भाई मेरा मतलब मैरिज की हुई है उसके बहन के साथ ना, तब आपस में उनकी बनती है पर मेरे साथ नहीं करते हो ना, वहाँ पर मैरिज मेरी मदर को भी उसने इसके साथ क्या बोलते कट्टे के उल्टी साइड से मारा हुआ सिर में, और ये मारा गिट्टी के साथ जो आग देखते हैं उसके साथ, और ये मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।